पाठ का शीर्षक है बजाओ खुद का बनाया बाजा। पिछली कक्षाओं में तुमने पत्तों से पटाखा बनाया, ग्रीटिंग कार्ड बनाया, कागज से मुखौटे बनाकर नाटक खेला। आओ इस बार हम बाजे बनाएं और तरह तरह की आवाजों का मजा लें। जल तरंग, पानी से भरे हुए प्यालों पर लकड़ी की पतली डंडी से चोट करने पर अलग अलग तरह की आवाजें निकलती हैं, जो सुनने में काफी मधुर लगती हैं। जल तरंग का मजा लेने के लिए चार या छह चीनी मिट्टी के अलग अलग आकार के प्याले लो। अब उनमें पानी भरकर उन्हें एक क्रम में रखो। इन जल से भरे प्यालों पर लकड़ी की डंडी से चोट करो। सुनाई दी ना मधुर मधुर आवाजें? अब अंदाजा लगाओ कि इस बाजे का नाम जल तरंग क्यों पड़ा। नगाड़ा, नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है, पर हम एक छोटा सा नगाड़ा बनाएंगे। इसके लिए नारियल का खोल, एक बड़ा गुब्बारा और धागा ले लो। अब नारियल के मुंह पर गुब्बारे खींचकर धागे से बांध दो। लो, बन गया नगाड़ा। अब एक पतली लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेटकर छोटी सी घुंडी बनाओ। इस लकड़ी से बंधे हुए गुब्बारे पर चोट करो। क्या हुआ? नारियल की जगह टीन का डिब्बा, मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हो। इसी तरह गुब्बारे की जगह पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो। चीजों के बदलाव से आवाज भी अलग अलग तरह की निकलेगी। धागे का बाजा, धागे से बाजा बनाने के लिए तुम पहले पतले धागे का एक टुकड़ा लो। इसके एक सिरे को अपने एक हाथ की उंगली में लपेटकर उसे अपने एक कान से सटाओ। फिर धागे के दूसरे सिरे को दूसरे हाथ की उंगली में लपेटकर हाथ की दूसरी उंगली से धागे को बजाओ। तुम्हारे ऐसा करने से अलग अलग प्रकार की आवाजें बाहर आएंगी। अब तुम धागे की लंबाई कम या ज्यादा करके आवाजों में बदलाव ला सकते हो। आओ चलते चलते आवाजों में बदलाव का एक और प्रयोग करें। कंघी को पतले कागजों में लपेटकर मुंह के पास लाओ।
अब उसमें कुछ बोलो या गुनगुनाओ। देखो आवाजों में बदलाव स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। बजाओ खुद का बनाया बाजा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ. मंजुला माथुर, पाठ समन्वय डॉ. लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।